सो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारा ये है डे टू। सुबह बज रहे 5:30। कल हालत इतनी ख़राब थी कि बस आगे सो गए थे सीधा, अपना खाना वाना खा के रूम वगैरह लेके। और यार लिटरली अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी फट रखी है। कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि उसके बाद मैं इतना थक चुका था राइड करके, बस कि मैं आके सीधा सो गया। मैं खाना वगैरह खाया उठ के और फिर से सो गया। और हमें यहाँ पे रूम मिला था 500 रुपये का, मतलब नॉर्मल सा ही था। वो आपको मैं बाद में दिखा दूँगा रूम कैसा था कैसा नहीं। और अभी यहाँ से ये मेन, मतलब कह सकते हो मार्केट एरिया या पार्किंग एरिया है, वहाँ से वो जाने का द्वार है ऊपर। और हमने ऊपर वो पहाड़ पर जाना ट्रैक करके वहाँ पे। अभी चलते हैं, हालत ख़राब हो रखी बिल्कुल लिटरली पूरे वाली, ठीक है। तो 3.5 घंटे का ट्रैक है, आई थिंक 3 किलोमीटर है, पता नहीं कितना है। तो देखते हैं कितने टाइम में करते आते, कितने टाइम में नहीं। बस हो रखी है लिटरली, बहुत ठंड भी है। और यहाँ पे ऐसे सब कुछ ये का ये है, और ये मेन सामने गेट है मेरे जाने का। तो अभी देखते हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं अपना ट्रैक शुरू करते हैं। जय भोलेगी। तो गाइस ये द्वार है यहाँ से जाने का, ठीक है। बिल्कुल ये सामने पार्किंग एरिया था और यहाँ से अपना ट्रैक शुरू होता है। तो बोलो हर हर महादेव। तो महादेव जी का नाम लेके चल दिए ट्रैक पे। और मैंने कुछ सामान भी कैरी किया हुआ है, लाइक एनर्जी ड्रिंक, जूस वगैरह, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें खाने पीने की है। तो चलो अभी चलते हैं। इधर भी होम स्टे बने हुए हैं, इधर भी आप रूम ले सकते हो ईज़िली। आपको 1000 में रूम मिल जाता है यहाँ पे 1 नाइट के लिए। और अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ अपने पावर बैंक्स वगैरह कैरी करके लेके आना, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है। आई मीन कि कोई वायर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि सोलर के थ्रू ही चार्ज होता है और रात को थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा देते हैं ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलो आपसे आगे मिलते हैं ट्रैक पे, थोड़ा ट्रैक कर लेता हूँ मैं भी, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो चलो यार आगे मिलते हैं। सो गाइस 25% आई थिंक मुझे लगता है हमने कवर कर लिया है। और अभी हमने ये पूरा कवर करके जाना है। ये लोग आपको बंदा दिखा होगा फोन में, वो भी हमारे साथ से गया है, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ लेवल है बंदे का। और मेरे पीछे का व्यूज देखो यार, अल्टीमेट एक नंबर मस्त वाला। और ये बता रहे कि यहाँ पे ना सर्दियों में दिसंबर जैन एंड फैब तक, मार्च तक भी स्टिल बर्फ रहती है। ये देखो, मैं नहीं है, ये भेड़ है, भेड़ भेड़ भेड़। कितनी क्यूट क्यूट सी है। तो चलो यार चलते हैं महादेव का नाम लेके और ऊपर दर्शन कराते हैं आपको भी। शायद कपाट तो नहीं खुलेंगे, बट चलो स्टिल बाहर से ही हम दर्शन करके आ जाएंगे, स्टिल करेंगे तो सही। चलो चलते यार। सो गाइज हमारा फ्रेंड मिस्टर कालू जी महाराज हमें मिल चुके हैं, ये हमें बागे के लिए गाइड करेंगे। हेलो, से हाय। वो देखो पूछ ला के हाय कर रहा है। और यार व्यू चेक करो आप, एक नंबर, क्या ही कुदरत का करिश्मा है। और हमें अभी और भी ऊपर जाना है, तो चलते हैं ऊपर अभी। तो गाइस अभी पीछे जो ढाबा है वहाँ पे, वहाँ से है तुंगनाथ महाराज 1.5 किलोमीटर। तो मे बी अभी 1 घंटा और लग जाएगा हमें।
वादियों का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी प्रॉपर सनराइज नहीं हुआ, ये कोई फॉरनर है जो आ रहे हैं बाहर से, अभी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे इनसे, पूछते हैं कहाँ से है कहाँ से नहीं। And who is me? 200. Oh yeah, nice. What's your name? Leah. Where are you from? I'm from France. Nice. Okay. It's cute, huh? Hi. Cute friend. Good morning. तो भी फॉरनर थे, कौन सी कंट्री से बताया मैं भूल गया, और इसके पास में छोटा सा क्यूट सा पपी था, वो बहुत ही क्यूट था, और वो रात भर से उसके पास है। आई थिंक वो अपनी कंट्री से उसको साथ में लेके आई है, और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और अभी भी वहाँ पे वो टॉप पे हमें जाना है शायद एक या दो घंटा और। इट्स नॉट ईजी ब्रो, इट्स नॉट ईजी, हालत एक नंबर खस्ता, एनर्जी लेवल डाउन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी आवाज़ से कि क्या हालत हो रखी है। बट हाँ, इस व्यू को देख देख के एनर्जी बहुत मिल रही है। वाह, व्हाट ए ब्यूटी यार, और सनराइज भी उधर हो चुके हैं। बस इसी को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद के साथ में कि ऊपर जाके और भी बेस्ट व्यू मिले हमें, और आपको भी दिखाए। तो यार प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और हाँ लाइक करना तो भूलना भी मत, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलो सो गाइस, फाइनली हम तुंगनाथ महाराज पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी मेरे वहाँ पे है टेंपल, और ये कुछ होम स्टे भी बने हुए यहाँ पे, और एक वो वहाँ पे बना हुआ नीचे की साइड में, और इससे ऊपर है चंद्रशिला। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे जाना है नहीं जाना, देखेंगे, जा भी सकते हैं क्योंकि जब इतनी दूर आई है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी जाएंगे, और यहाँ पे भी होम स्टे बने हुए मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आके स्टे करते हो तो एज योर विश, बट पार्किंग आपको नीचे ही मिलेगी अगर आप अपने सेल्फ व्हीकल से आ रहे हो, और अगर आप बाय टैक्सी ट्रैवल या लाइक बस वगैरह से आ रहे हो तो फिर आप आके भी यहाँ पे होम स्टे कर सकते हो, ठीक है। वो व्यूज़ कुछ ऐसा है, और मुझे नहीं पता कितनी ऊंचाई है यहाँ पे, अगर लिखा होगा तो आपको बता दूंगा कहीं पे। चलो ऊपर चल के दिखाते हैं आपको महाराज जी के दर्शन। कपाट तो शायद अभी नहीं खुले, बड़ी है कि बाहर से हम दर्शन कर लेंगे तो इतना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। बाबा जी ने यहाँ पे बुला लिया, और धारा पानी पीते हैं ऐसे थोड़ा सा। ओ वाओ चिल्ड क्रिस्टल नाइस। तो चलो ऊपर चलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ टेंपल, तुंगनाथ महादेव। एज यू कैन सी मेरे पीछे है, आप देख सकते हो, जय बाबा तुंगनाथ। तृतीय केदार है, और ये तीसरे केदार है, मतलब ये लिखा भी है, ये इनका गेट है। वहाँ से हम पूरा का पूरा, मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दे देता हूँ, वहाँ से हम पूरा ऐसे ट्रैक करके आए हैं यहाँ से, ठीक है। ये शॉप वगैरह प्रसाद लेने के लिए यहाँ से, और अभी मंदिर तो बंद है, आई मीन कपाट, तो नहीं जा सकते अंदर, बट दर्शन यहीं से गए थोड़ा सा। ये आपका मंदिर बना हुआ बस यही है, बाकी होम स्टे वगैरह इधर बना हुआ है, और ऊपर है चंद्रशिला जाने के लिए, तो इधर से ट्रैक आई मीन चंद्रशिला का, ये यहाँ से बैठे। एक तो तुंगनाथ महाराज जी का मतलब प्रवेश, मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है,
और इधर से अगर हम जाते हैं तो ये सीधा अपना चंद्रशिला चल जाता है। वो भी देखते चंद्रशिला चलते हैं या कुछ खा पीते हैं यहाँ से, और भूख भी लग चुकी है तो चलो यार चलते हैं यहाँ से। सो गाइस हम निकल चुके हैं चंद्रशिला की साइड में, और मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रैक कर रहा हूँ और देख के लिटरली मेरी फट रही है। आई मीन टू से कि डर लग रहा है, बिकॉज यू कैन सी वहाँ से ऐसे करके जाना है, और थोड़ा सा इधर का आप नज़ारा देखो ये पहाड़ों का, इसलिए थोड़ा थक गए थे। मतलब नीचे थोड़ा खाई है, हमें ऐसे जाना है तो बी अवेयर, हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा स्क्रीन। बाकी क्या बोलते हो, यस आई कैन डू इट। जय भोले बाबा, जय महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर, जय शंभु, हर हर महादेव। सो गाइस अभी थोड़ा सा और रह गया ट्रैक, बट लिटरली नो नेवर हो चुका है। तो अभी पीछे बैठ के हमने डिसाइड किया कि आगे चला जाए या फिर नीचे जाए। अब हमने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना ऊपर जाए। As you can see, हम पहले से उधर से पीछे से आए। सो गाइस मेरे पीछे थोड़ा सा ट्रैक और बाकी है, और अपनी बस हो चुकी है पूरी। ये हमारे साथ में मतलब और भी ट्रैकर्स है जो कि ट्रैक कर रहे हैं, नीचे बैठे हैं, कुछ बंदे इधर भी है ऊपर भी, और वहाँ से हम पूरा आया नीचे से। कैमरे में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट लिटरली इट्स सो हार्ड बिकॉज ऑक्सीजन लेवल भी कम है, हाई ऑल्टीट्यूड है, सो आई थिंक इसलिए। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी आवाज़ से कि हाँ क्या हालत हो रखी है। और ये जो पत्थर है ये क्रिस्टल है, मुझे चमक रहा है। बाकी बस थोड़ा सा और तो चलो चलते हैं, जय बोलेगी। सो गाइस फाइनली 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 वी आर रीच एट चंद्रशिला गंगा धाम। एज यू कैन सी इट्स जस्ट 1 मिनट अप्रोक्स, 1 मिनट्स भी नहीं हम बोल सकते, जस्ट 10 सेकेंड फ्रॉम हियर। और ये है हमारे चंद्रशिला, ठीक है। क्या है यहाँ का हिस्ट्री मुझे नहीं पता, बट ये गंगे धाम है, और आप दर्शन कर सकते हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय माता दी। जय माँ। यहाँ तक लाने के लिए कृपा आपकी जो आपने अपने दर्शन दिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्य हो गया मैं आपके दर्शन पाके देवी जी, मेरा जीवन सफल हुआ। गाइस आप लोग भी करो दर्शन। ये है हमारी चंद्रशिला माता जी, और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, आसपास का पूरा बिल्कुल ये टॉप पे है। मैं थोड़ा सा आपको ओवर व्यू दे देता हूँ यहाँ से। ये माता का मंदिर है, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा पूरा मंदिर बना हुआ है, और वादिया देखो आप दूर तक पूरा। तो
मैं तो अपने माँ को मान रहा हूँ कि मैं सफल हो गया यहाँ पे, लिटरली मेरा जीवन सफल हो गया। Meet my friend. अरे उधर मत जा भाई, तू अपने ओनर के पास में जाओ पानी पी। ये कुत्ता काटेगा तो नहीं इसको? नहीं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कम ऑन। केले शांत। So, guys, हम जस्ट वो हमारे सामने उधर चंद्रशिला, अभी हमने वहीं पे मत्था टेका। और ये हनुमान जी की मूर्ति, महादेव जी भी है यहाँ पे, और कुछ व्यू ऐसा है। आई नो कि कैमरे में शायद ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट जो भी है अमेजिंग है यार। आई कांट एक्सप्लेन कि हाँ क्या है क्या नहीं, वर्थ इट लिटरली यार। यू मस्ट गाइज विजिट हियर इफ यू, अगर आप इधर आते हो तो प्लीज़ मस्ट विजिट। वो पूरा नीचे से हम आए। तो गाइज हम अभी पी रहे हैं जूस, जो यहाँ पे फूल्स है, ये आसपास में पेड़ है, एज यू कैन सी देयर, ये वाले इन पे रेड कलर के फूल आते हैं, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। उसको मैश करके उबाल के फिर इसमें चीनी की चाशनी और हनी ऐड करके मीठा मतलब इसमें टेस्ट लाने के लिए, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी अंकल बता रहे थे हमें जिनसे हम लिया, 40 रुपये का ये गिलास है, बहुत ही बेस्ट है, मतलब टेस्टी भी है। और अभी ऊपर से तो आगे थे तो थोड़ा यहाँ पर रुके थे हम, लेकिन हमें कुछ मिल गया था इसलिए तो अभी मैगी ऑर्डर किया है। और ये जूस पी रहा हूँ बहुत टेस्टी है। बस और अभी बस क्या करना है, रूम पे जाना है, पैकिंग करनी है, सामान बांधना है बाइक पे, देन निकल लेना है, ठीक है। तो अगर आप आते हो तो प्लीज़ आप भी ट्राई करना है इस जूस के, आई मीन फूल के रस को, अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो चलो मैं पी लेता हूँ इसको, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइज हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट ट्रैक, चंद्रशिला और तुंगनाथ महादेव टेम्पल। खुला तो नहीं था टेम्पल, आपने देखा ही, बढ़िया कि बाहर से हमने टच भी करके आ गए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हवा टाइट हो चुकी थी लिटरली। और सुबह हम 5 बजे निकले थे, और अभी का टाइम अगर मैं आपको बताऊँ 12:20 हो चुके हैं। एक घंटा आप लगा लो, चलो हमने कहीं रुका वगैरह, ये वो मैगी वैगी खाई एंड मतलब थोड़ा बहुत, तो अभी अपने को कितना टाइम लग गया, 7 घंटे, 6.5 घंटे आप लगा के चलो कि चंद्रशिला से पूरा आना जाना। चंद्रशिला वाले जो ट्रैक था उसमें तो हवा टाइट हो गई थी बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी इसलिए। और बस यही था, कर लिया हमने वी डिड इट। और अभी जा रहे सीधा रूम में, रूम से अपना पैकिंग वगैरह करेंगे, पैकिंग करके फिर हम निकल जाएंगे सीधा आगे की ओर, ऋषिकेश की साइड, आई मीन घर की साइड में। बाकी देखते हैं आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो चलो आपको थोड़ा सा एक रूम टूर दे देता हूँ, हमें कितने में क्या क्या मिला था, क्या ना क्या नहीं था। चलो चलते हैं सीधा रूम में। फाइनली गाइज रूम पे हम अपने पहुँच चुके हैं, ये हमारा होम रूम है, और ये कुछ सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। रूम नंबर 3503 ये रूम मिला हमें, ऐसा कुछ सा है। मेरा इधर सामान बिखरा हुआ है, रात के ऐसे बैग वगैरह भी पैक करके तो मैं निकल जाऊँगा। और अपना ये इसका जो वॉशरूम वगैरह है ना, सही है, पानी की बॉटल इधर टॉयलेट लगा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा था लेकर लिया पानी है भाई, ठीक है। और ये अपने को पड़ा 500 रुपये में, एक पानी की बाल्टी हमने मैंने ली थी तो वो पड़ी अपने को 100 रुपये की। और वो सामने मेरी खड़ी है बाइक, ठीक है, ये सामने का व्यू है। तो बस यही था अपना, ये हमारे मंकी महाराज जी भी आ गए। तो गाइज बस यही पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक भी ख़त्म हो गया और आगे का कुछ है भी नहीं, क्या करना है क्या नहीं, अब तो सीधा घर ही जाना है। तो आपकी आज की वीडियो में आपने देखा कि हम आए देहरादून से ऋषिकेश होते हुए है, हमने धारी देवी जी के दर्शन किए रुद्रप्रयाग देवप्रयाग, फिर हम पहुँचे उठी मठ से होते हुए चौपटा में हमने लिया होटल, फिर आज हमने ट्रैक किया। ट्रैक में हमें कम से कम 7 घंटे लग गए, बाबा जी के दर्शन किए, आपको भी कराए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना,
और एक प्यार सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, बताना कैसी लगी वीडियो आपको, कैसी नहीं। बाकी मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।